सर्वेशाम नमो नमः। So my friend camera has been dust is there, so that's why. हाँ हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, आपने ईशा से कनेक्टेड है क्या? ईशा का कुछ किया है कोई प्रोग्राम? नहीं किया। ओके अब अगला अक्षर जो है वो तो वो बोल के देखिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है अभी इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? अरुण जी, इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या कुछ? क्योंकि आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। अरुण ओके यू ड्रॉप्ड, तो होपफुली यू विल लॉग इन अगेन। अभी आ रही आवाज, नाउ इट इज कमिंग। यस सर, तो आपने देखा कि अ की जो आवाज है ये पेट के पास से नाभि के अराउंड से आती है। अभी ऊ जो है ऊ ट्राई किया, ये नेक के पास से आता है मुझे लगता है। हाँ, नेक से थोड़ा नीचे। तो एक्चुअली ये अनाहत चक्र जो है, जहाँ हमारा हृदय चक्र जिसको कहते हैं, और आप पिक्चर ये डायग्राम में देख सकते हैं, ऊ का जो साउंड है ये तो यहाँ से आता है, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, और अ का आवाज जो है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है जो हमने अभी देखा, नाभि के आसपास से आता है, विच इज जो जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। एक्चुअली वो मणिपुर और स्वाधिष्ठान के बीच में है, नाभि जो है नाभि के ऊपर मणिपुर होता है और नीचे स्वाधिष्ठान होता है। तो वहां से अ की साउंड, फिर ऊ की साउंड अनाहत चक्र से। अनाहत मतलब जहाँ पे हमारा, ये आपको वीडियो में दिख रहा है ना, जहाँ पे हमारा जो ये रिब केज है, जैसे आप अपने चेस्ट पे हाथ उंगली रखिए एंड देन यू स्टार्ट कमिंग डाउन अ लिटिल बिट, तो वन प्लेस देर इज अ गैप, लाइक योर फिंगर कैन गो अ लिटिल बिट। या रिब इन बिटवीन रिब्स। हाँ, तो रिब केज जहाँ से वो गैप स्टार्ट होता है, दैट इज वेयर आवर हार्ट इज, वहीं पे हमारा हृदय होता है, और उसी को अनाहत चक्र भी कहते हैं। उसी जगह पे अनाहत चक्र होता है जो एक एनर्जी सेंटर है। तो आपने चक्रों के बारे में पहले, आपको मालूम है पहले नहीं हमारे सर। 7 चक्र होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे, पर अभी के लिए ये वाला चक्र अनाहत जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऊ का जो साउंड है वो अराउंड दैट एरिया वो निकलता है, आप वहां पे हाथ रख सकते हैं, अभी ऐसे हाथ रख लीजिए, देन आंख बंद करके यू कैन से ऊ। या उधर से थोड़ा रिप के पास से आता है, हाथ थोड़ा वाइब्रेशन आता है। हाँ, और अब फाइनली जो फाइनल अब व्यंजन है म वाला, तो हम बोल के देखेंगे। थोड़ा
कहते हैं, और नेक का पास है, थोड़ा ऊपर आता है नेक का। हाँ, तो ये नेक नेक में है जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है कि म का जो साउंड है ये वो यहाँ से आ रहा है नेक में, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, ठीक है, तो चक्रों के नाम मैं बाद में भी बता दूंगा, उसको अभी से आपको याद रखना आवश्यक नहीं है। दो तीन बार सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी महत्वपूर्ण क्या है कि ये समझना कि जैसे हम ओम पूरा का पूरा बोलते हैं, तो जितनी भी बार आप बोलेंगे तो आपके शरीर के अंदर से ये जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर निकल के जाएगी, अ उ और म, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये अपने आप राइज करती है और हम इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो व्हेन यू से अ देन उ देन म, दैट मींस यू आर मेकिंग द एनर्जी गो इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन व्हिच इज करेक्ट डायरेक्शन। जो एनर्जी का फ्लो है वो हमारे मूलाधार चक्र से, मूलाधार इज द बॉटम ऑफ आवर स्पाइन, ओके, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है जिसके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू सिट डाउन द पार्ट ऑफ द बैक व्हिच टचेस द ग्राउंड, ओके, दैट इज वेयर मूलाधार इज। ओके, ठीक है, मूल आधार, तो हमारा जो मूल है स्पाइनल कॉर्ड का, रीढ़ की हड्डी का, उसका मूल और उसका वो आधार है। ओके, ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट चक्र, दैट इज द मोस्ट बेसिक एंड द फर्स्ट चक्र। उसका मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर बनाया है, उसको थोड़ा सा बड़ा किया है, दैट आई कैन शो यू, वो दिखाता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हाँ। अरे वाह, आज तो ओजस जी भी आ गए, ओजस जी, अश्वहा आम अम्रम, ओके। अच्छा, तो आप अभी ये स्क्रीन नहीं देख रहे हैं जहाँ पे ये मूलाधार स्वादिष्ठान ये सब लिखा हुआ है मैंने, ये आ गया क्या? अश्वहा अम्रम इष्टिका ये इट विल चेंज, आही ब्रिक्स ओहार, उसके अब चेंज हो गए, अभी चेंज होगा। व्हेन यू सी दिस ईशह उष्ट्रह और उर्णा, देन यू आर ऑन द राइट, ओके, या ईशह उष्ट्रह उर्णा, उर्णा उर्णा, करेक्ट। तो इसमें ऊपर जो पिक्चर बना हुआ है आपको ये दिख रहा है ना? ओके, हाँ देख रहा हूँ, हाँ, महस्त्रार, सहस्त्रार। तो अभी ऊपर से नहीं, नीचे से पढ़ना है उसको, वन जहाँ लिखा ना, वन टू थ्री फोर ऐसे लिखा है। तो आपको अब मूलाधार चक्र समझ में आएगा, मूलाधार, हाँ राइट। तो दैट इज द बॉटम ऑफ आवर स्पाइन, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द बैक, वो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ग्राउंड में टच होता है, दैट इज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो मूलाधार है। ठीक है, स्वादिष्ठान, देन यू गो अ लिटिल अप, तो जस्ट बिलो योर नेवल, नाभि के थोड़ा सा नीचे, तो व्हेन यू से थोड़ा सा, एक्चुअल मेजरमेंट इज दीज टू फिंगर्स, ओके, तो यू कैन पुट टू फिंगर्स बिलो योर नाभि एंड जिधर वो एंड होता है दैट इज वेयर स्वादिष्ठान चक्र इज देयर, स्वादिष्ठान, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, व्हेन यू लर्न अबाउट इट स्लोली एंड नेक्स्ट टाइम यू लुक एट इट आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। ठीक है, देन जो नाभि है उसके दो उंगली ऊपर, तो नाभि को उंगली रखो एंड ऊपर, दैट इज वेयर दिस थर्ड वन मणिपुर चक्र इज देयर,
मणिपुर, ओके मणिपुर चक्र, मणिपुर इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जठर अग्नि, जो फायर इन द स्टमक हम कहते हैं ना, द द फायर विच कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम विच डाइजेस्ट्स एवरीथिंग, वो मणिपुर चक्र के कारण होता है मणिपुर। यू मूव अ लिटिल अप तो फोर्थ वन इज अनाहत चक्र विच इज आल्सो हृदय, हार्ट, हृदय के जो पोजीशन है उस वहां पे ही आता है वो अनाहत, उसको हृदय चक्र भी कहते हैं बट अनाहत जो है उसका असली मूल नाम है। ओके ठीक है, फिर कंठ जो ये पांच नंबर का चक्र है दैट इज विशुद्धि, कंठ विशुद्धि, कंठ में विशुद्धि, सॉरी ओके सॉरी विशुद्धि, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं तो शायद थोड़ा याद रखने में आसान हो, विशुद्धि कंठ। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर वॉइस, तो यदि विशुद्धि चक्र में आपकी अच्छी ऊर्जा है, बढ़िया शक्ति का संचरण अच्छा होता है, तो हमारी जो वॉइस है वो slowly and this is a slow process वो effective होने लगती है, मतलब people want to listen to you and that kind of thing, right? तो जब हम ओम का उच्चारण regularly करते हैं और कभी भी कर सकते हैं, कोई restriction नहीं होता खाने पीने का, nothing matters, any time of the day you can say ओम, okay, any number of times you can say it, and when we do it जितने बार हम करेंगे आपके ये जो शरीर के अंदर एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली ये सारे चक्रों से होके फ्लो करती है। ओके ठीक है, तो दिस हेल्प्स ईच ऑफ दिस चक्रस टू बिकम मोर एक्टिव एंड गेट इन सिंक विद ईच अदर, दे स्टार्ट गेटिंग इन लाइन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, they start syncing, synchronizing with each other. Because in normal human beings, when we are not doing any kind of yoga or sadhana, any work on our chakras, then each of them is functioning independently. So that is usually the reason of diseases and everything, pains, problems. It's true in modern life. So when you start doing a sadhana in some form, even just saying aum, so for example, जैसे मैं भी फोन करता हूँ या फोन उठाता हूँ या किसी को भी करता हूँ तो I always say हरि aum. तो एक वो भी इजी आसान तरीका है कि जब भी मैं फोन उठाऊंगा हरि aum ही बोलूंगा, तो वो aum aum जो है बार बार निकलता ही है। करेक्ट, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा सभी, हाँ प्रैक्टिस भी होती है एंड इट हेल्प्स योर बॉडी, एवरी टाइम यू से इट इट इज हेल्पिंग योर बॉडी विद दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, एनर्जी या ठीक है, फ्लोस, हाँ, एंड देन ये जो है दिस लेवल, दिस इज नंबर 6 आज्ञा चक्र, आज्ञा, ओके, इसको जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पिनियल ग्लैंड इन द वेस्टर्न साइंस, पिनियल ग्लैंड, ओ कौन सा वो आग के पास होता है वो क्या, हाँ दिस इज द थर्ड आई, जो शिव जी का थर्ड आई है ना, त्रिनेत्र जो है शिव जी का, दैट इज द आज्ञा, आज्ञा इनके, हमारे जो ये आईब्रोज हैं इनके बीच में सेंटर में, हाँ, एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई एवरीबॉडी शुड पुट तिलक, बिकॉज़ तिलक स्टिमुलेट्स आज्ञा चक्र, एवरी टाइम यू टच योर आज्ञा चक्र फ्रॉम द फ्रंट विद द तिलक, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दैट आज्ञा चक्र टू बिकम active,
तो इन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स अग्नि चक्र इज स्लीपिंग, इट इज अ नॉन फंक्शनल चक्र. तो मॉडर्न साइंस डज नॉट इवन सी एनी यूज फॉर इट बिकॉज दे डोंट नो द फंक्शन एंड दे एक्चुअली थिंक दैट इट इज अ स्लीपिंग ग्लैंड. इन योर साइंस बुक्स यू विल सी दैट पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड अननेसेसरी ग्लैंड, इट डजंट डू एनीथिंग. पिट्यूटरी ग्लैंड इतना नहीं आ रहा है. हां पिट्यूटरी इज सम इट्स नियर आई सॉरी सर सर बट दैट इज फंक्शनिंग. या या पिट्यूटरी इज फंक्शनिंग बट पीनियल इज कंसीडर्ड एज अ नॉन फंक्शनल, इट नॉट फंक्शन because you have to wake it up. So modern, the western science doesn't know this or doesn't understand this, but we know that this is agna chakra. So when some you... people say that Einstein was a scientist, he also referred Bhagavad Gita. Some people say, is it true or false? So you see, many people who eventually realize ki there is a lot of power within ourselves, they have always found something in our Indian text scriptures and then you made good use of it. So yes, there are many scientists, even this Hippocrates, Socrates, Sushrut, if you have heard, the father of medicine. Yeah, heard, father of medicine and surgery. So Western people think of Hippocrates as the father of medicine, but Hippocrates actually learned from Charak, and Charak Indian was Sushruta's shishya. So our medicinal knowledge is extremely old and original, and many other people of the world have learned from it and utilized it. So Einstein was definitely a very good brain. So his, I'm guessing that his Agnya Chakra might be active a little bit, but we don't know. What you are saying is he was referring to Gita, which is available to anybody in the world. So Gita doesn't say only Hindu should read it. Anybody who can make use of it can read it. And finally, just above our top of the head, so that chakra which you see as Sahasrara, that is actually on the top of the head. That is the seventh one, Sahasrara. Okay. Now, if our energies reach up to Agnya Chakra, so when you say Aum, the Ma sound actually starts here at the Kanth, and you can, when saying Aum, you can actually focus here on the Agnya whenever you are saying it. So what happens is, and even during some other mantras or puja time, anytime you can do this, focus on Agnya as much as possible, whenever possible. So what happens is this starts getting stimulated, and when you put tilak, you are giving it more more stimulation. So when energies start reaching here, then Agnya is called a master gland, which means when that becomes active, then it starts managing everything properly. So every single organ and gland in the body starts working according to a single master, which is Agnya, and its name is Agnya because it can order, it can order everybody else. So that is extremely beneficial to focus on Agnya as much as possible. However, when your energies reach to the top of the head, which is Sahasrara, and it is not recommended to concentrate on the Sahasrara much because that is the final exit from the body. So if energies start reaching Sahasrara, so then what happens is it's easy to leave the world. So
if you really want to leave, then you can definitely concentrate there, but it's not recommended by most people. Most yogis also say that be careful when you reach Sahasrara. Because that means you don't have any physical material attachments. You are above everything else. So so each chakra has you reach there. Okay. Yeah, you were saying something. You were saying something. Shrestha kushikartha asti. Kushikartha asti. Let me pick my books. Hello, sir, can you hear? Uh-huh. I can hear. Nothing, some problem in network in our area. Okay, you cannot hear me or you can hear me? Yeah. You can hear me, right? Hello. Yes, sir, I can hear you. Okay. So, first thing is, whenever we enter our class, okay, or we exit our class, we are always going to say Sarvesham Namo Namaha. Sarvesham means everyone, hello everyone. Correct. Okay, sir. So I am addressing everyone. Namo Namaha. Namo Namaha. So coming or going, both times you can say it. Okay. Now, sir. Whenever you ask a question or I ask a question and you want to say yes, you will say am. Am. You can see this. Ha. Okay. Ha. Am means yes in Sanskrit. Am. And na or nahi. Na nahi. Na. So that is no in Sanskrit. So depending on what our question or answer is, you can start using these. Okay. Now, if there is just one person sometimes, so then you can simply take his or her name, that Ravi Shankar Namo Namaha, or with respect, Ravi Shankar Mahodaya Namo Namaha, or Gita Mahodaya Namo Namaha. Or you can simply say Namo Namaha if you Anshu don't know the name. Namo Namaha. Anshu Mahodaya Namo Namaha. Okay, sir. Namo Namaha. Okay. Now, for okay, when we say okay, or it's all right. So you should say Astu. Astu. Okay, astu. Astu. So astu. When you understand something or you just want to say okay. Correct. So astu. Okay. It's astu. Oh yes. And astu, when something is not okay, then you will say na astu. Slightly different. It is mastu. Oh okay. I just tried. So when, let's say, you came a little 2 minutes late in the class, so you are saying kshamasva. So kshamasva means I am sorry. Okay. Kshamasva. Kshamasva. Mujhe kshama kar dijiye. I am sorry. So then I will say, or somebody else will say, Chinta mastu. Chinta mastu. Which means no problem, it's okay. Chinta means don't mastu. Worry. So when you say chinta mastu means don't worry. Worry. Okay. Chinta means worry. Mastu means no worry.
मास्तु मास्तु ओके 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 सर. सो व्हेनेवर यू से ओके इंस्टेड ऑफ ओके यू विल ऑल यू विल से अस्तु अस्तु हाँ अस्तु 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 महोदय. So you are learning small, small things like this. We will learn conversational, which you can immediately use at home with friends, with anybody. Okay. Astu. Whenever you are talking, you can say namo namaha with anybody, not just in our class. You can say with anybody. Kshamasva. I am for asking for kshama. You can always say kshamasva. I'm sorry, kshamasva. And when we are discussing something with somebody, we keep saying okay, yes, 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 okay, okay. So astu, astu. Astu, astu. Is just yes, and astu means okay, right? So they are related. Sometimes you will use sometimes you will use astu. Now, if you like something, then you can say uttamam. Nice, nice. We say, oh, good, good. So, uttamam, uttamam. Ati uttamam means very good. Very nice. Okay. Ati uttamam. Ati uttamam. Ati. Uttamam. Very nice. So if you are writing down, Atyuttamam. You can write. Yeah, also. I'm writing. And this will be available as a online video also. Like you will see the link whenever after the class, one day or 2 days later, we will upload. Astu. Nidha name. मम परिचयः ओके परिचयः कुर्वन्तु. मम नाम अंशु. मम मींस आई. मम मींस माय. माय ओके माय ओके राइट बिकॉज़ मम नाम इज माय नेम इज अंशु करेक्ट. मम नाम अरुण. तो भवतः नाम किम? भवतः भवत्याः तव. भवत्याः फॉर लेडीज. भवतः फॉर जेंट्स. सो दिस इज पुल्लिंग. सी यू कैन सी भवतः इज पुल्लिंग. भवत्याः इज स्त्रीलिंग. तो व्हेन यू आर आस्किंग अ लेडी देन यू कैन से भवत्याः नाम किम. इफ यू आर आस्किंग अ मेल देन यू विल से भवतः नाम किम. नाम किम. किम मींस व्हाट. किम व्हाट व्हाट. नाम किम. सेम. ओके सो मम नाम अंशु. भवतः नाम किम. भवतः नाम किम. व्हाट इज आपका. I am asking you, भवतः नाम किम? अरुण. मम नाम अरुण कुमार. हाँ, so now one more thing to notice is when your name or when any name ends in अकारांत. So अकारांत means a का. Have you heard of ओमकार, जयकार? What is that कार? ओमकार जय कार. कार मीन्स साउंड. कार मीन्स साउंड. या साउंड. हाँ तो व्हेन वी से ओमकार और जय कार दैट मीन्स द साउंड ऑफ जय और द साउंड ऑफ ओम. ओके सो नाउ व्हेन आई एम सेइंग अकारांत सो दिस मीन्स अकार अंत. Which means the word is ending in
एंडिंग विथ अ साउंड. अकार. हाँ, फॉर एग्जांपल माय नेम इज उकारांत. फॉर एग्जांपल पवित्रा. हाँ, सो पवित्रा वुड बी आकारांत. अकारांत आ है, राइट, उसके एंड में आ है, नॉट अ, दैट इज अ बिगर आ, राइट, अ आ ई, सो द लॉन्गर आ. माय नेम इज उकारांत. उकारांत. सो व्हेनेवर देयर इज अ नेम अकारांत, देन यू कैन ऐड द विसर्ग एट द एंड ऑफ इट व्हेन सेइंग द नेम. सो If your name is Arun Kumar, so you will say Mama Naam Arunah or Mama Naam Arun Kumarah. That will be more accurate. Arun Kumar. Huh. Others don't have to say. So if your name was something ending in A or U, like Geeta, Prasanna, so then that remains as it is. There is no visarg in that. विसर्ग ओनली फॉर अकार. हाँ, फॉर अकारांत विसर्ग विल कम. अकारांत. अस्तु अस्तु महोदय. सो वी हैव वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स इन दिस क्लास, कपिल महोदय. सो ही विल ऑलवेज से मम नाम कपिलः, सिमिलर टू योर नेम आल्सो, योर मम नाम अरुणः और अरुण कुमारः. And you can see some examples here which other participants have said in the previous class. Mama naam Shivani, Mama naam Ojasah. So when Ojas is there, again that is Akarant. So that is why Ojasah. Ojasah. Okay. Hastu. Hastu. ओके नाउ इदानीं अस्तु आर यू एबल टू राइट और यू वांट टू गो ऑन सम स्क्रीन फॉर राइटिंग आई कैन वेट इफ यू आर राइटिंग नो हां ना ना महोदय. Okay, I can write. We'll move. So now, before going for more parichay, let us complete one full minute of Aum Uchcharan, which we do in the starting of every class, so that we help our energies and we do it together. Okay. So for one full minute, I will say it, and then after that you can say it. Then I will again say it. You can again say it. So we'll do it for a full 1 minute. So close your eyes. Astu Mahadev. And when now you can open your eyes, and this time when we will say it,
नोटिस द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एनर्जी because now we are saying all three together so you can actually sense that energy is really rising so one last time close your eyes and we'll try once more are you able to feel it Yes, yes, ma. Ha, astu mahadesh. Ha, mahade, ha, mahade. Ha, and it happens all the time. Whenever you say it, only thing is we have to notice also. It's useful to notice because we are doing such a big help for our body. To our body. So then, knowing it, how the energy is moving, it's even better. It's even more beneficial. Now, this is one more reason why Mahashivaratri is one of the most important nights of the whole year. Do you know why? Why we wake up all the night? I heard Sadhguru saying in a video about that, saying at that time, the energy of the earth passes upward. Naturally rises. And in our body also, what is the direction of energy which is beneficial? It's always up. Upward. It's always up. Correct. So if on that night, if we are sitting or standing, so that our spinal cord is straight, perpendicular to the earth. So then when the energy of the earth rises, it will also help the body. So that is the best night to keep awake. This is the Mahashivaratri night. It's the best night of the whole year. It's very important. Yeah. And that is why many people do some cultural functions and dance and music and bhajan, kirtan, something, some programs, just to engage everybody so that you don't lie down. You keep sitting or standing straight. Sitting, standing, huh? I too try it twice. Good. So every Mahashivaratri, are you doing, means participating in some Mahashivaratri function? Your voice went away. Arun Mahade, Bhavatah Vani Nasti. भवतः वाणी कुत्र अस्ति अरुण महोदय मम वाणी शृणोषि वा अरुण महोदय भवतः वाणी नास्ति महोदय वाणी अस्ति अहम् शृणोमि मम वाणी शृणोसि वा
श्रृणोमि श्रृणोमि। हाँ महादेव। और इसको मैं और थोड़ा क्लियरली साफ यदि बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इदानीम अहम श्रृणोमि। तो इदानीम अहम श्रृणोमि है, हाँ, तो अहम श्रृणोमि मतलब मुझे आवाज आ रही है, मुझे आपकी सुनाई आ रही है आवाज। इदानीम का मतलब है अभी, मीन्स नाउ। इदानीम इदानीम मम वाणी श्रीनोवा श्रीनोसीवा। हाँ, तो एंड जब व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन यू हैव टू एक्चुअली साउंड लाइक अ क्वेश्चन। तो मम वाणी श्रीनोसीवा, तो वा यू हैव टू से लाइक अ क्वेश्चन ओनली, देन द अदर पर्सन। श्रीनोसीवा हाँ, अहम अस्तु अस्तु, अहम श्रृणोमि, आम अहम श्रृणोमि। तो अभी आपको ये अंतर दिख रहा है कि जब मैं अपने लिए बोलता हूँ, when I am saying for myself, then I will say श्रुनो मी, तो it always ends in मी, like बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छामि, because I am going, but if I was saying अरुणः बुद्धम शरणम गच्छति, तो because I am saying अरुण is going, I am talking about somebody else other than me, right? So then I गच्छति, so that will end in ti. We will learn those things later also, but I am just introducing you to these few things. So when I am talking about myself, it always the verb, the kriya pad always ends in me. Shrunomi, gacchami, vadami, likhami, shrunomi, shrunomi. Me, it will end with me. Huh. If I am talking about any third person, it ends with ti, gacchati, like it ends with ti. Huh. And when I am talking to you, meaning somebody in front of me, you, that is why we were using shrinosi. Okay. You used in your question, right? Mamavani shrinosi va. So shrinosi means I am talking to you, somebody in front of can me. Can you hear me? Okay. Whenever you are saying si. You, so then see, shrano si, gachha si, shrano si, like that it will happen. Moani shrano si va. Okay, so three different things. For me, it is always in a me, or me, ends in me. For me. You, it ends in si. And it ends with the T. Third person, it ends in T. Okay, T. Gacchati. Gacchati. Only normal tha. Normal tha. Is it Guruji? What are you saying? What's the question? Hello. What's the question? Action. Sir, I'm asking that gacchati ta, does it have any ottakshar? What we call that? Hello. Nee, but what do you hello, want Hare? To say? So just give me an example. What do you want to say? And then we will try in Sanskrit. Okay. He is not working. Saha, now he, for he, there is a different word. So for now, you can just take names for now, for the first class. So let's say Kapil is not working. Or you want to say Arun Kumar is not working. Or Arun Kumar is working. Arun. So okay. We will say Arun Kumar raha. Arun. Karya karoti. So whenever I am talking about the other person, it always ends in ti. So karoti. Ti. Arun Kumar is listening. Haan, third person means somebody Arun else. Kumar. Arun Kumarah shranoti, which means Arun Kumar is listening. Arun Kumarah gachati. So Arun Kumar is going.
अरुण कुमार इज गोइंग, कुमारहा गच्छति गच्छति. हाँ, नाउ व्हेन आई एम सेइंग आई एम गोइंग देन आई विल ऑलवेज से गच्छामि गच्छामि गच्छामि. ओके अस्तु गुरुजी अस्तु. गच्छामि. सो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि. यू इट इज गच्छति. हाँ, फॉर यू, फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, then it is C at the end. Gachasi, Shrunosi. Gachasi, Shrunosi. Astu, astu. Uttamam. So, idanim kaksha samaptam karomi. Namo namaha. Punar milamaha. Namo namaha. Shvah punar milamaha. Chaturvadane. चतुर्वादने means 4 o'clock. वादने तो whenever you say वादने it is o'clock. चतुर्वादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, द्विवादने, त्रिवादने, एकवादने, पंचवादने. We will learn later, but I am just giving you some examples so that you know. Examples. अस्तु अस्तु महोदय. So श्वः चतुर्वादने. What do you need to say for see you tomorrow? पुनर्मिलामः. फिर मिलेंगे. पुनर आई विल राइट इट हियर, यू कैन सी. पुनः मिलामः. पुनः मिलामः. एंड व्हेन यू कंबाइन दिस द विसर्ग इज रिप्लेस्ड बाय द र साउंड, सो देन इट बिकम्स पुनर्मिलामः. सो यू कैन से एनी ऑफ दिस. पुनर्मिलामः इज आल्सो ओके. पुनः मिलामः इज आल्सो ओके. बोथ विल वर्क. पुनः मीन्स अगेन अगेन पुनर. एंड मिलामः मीन्स वी विल मीट. सो वी विल मीट अगेन. मीट. अस्तु अस्तु गुरुजी. आम उत्तमम. सो पुनर्मिलामः. नमो नमः महोदय. अरुण महोदय. नमो नमः. शुभ दिन. अंशु महोदय. शुभ संध्या. शुभ दिन. शुभ संध्या. हाँ अस्तु गुरुजी. कक्षा धन्यवाद गुरुजी. करोमी.